हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों अभी मैं छत पर आ चुका हूं। सबसे पहले आप लोगों को एक जो बुरी खबर है वो मैं आप लोगों को बतला देता हूं। दोस्तों जो वाइटी है उसका छोटा वाला बच्चा आज मर गया है। जब मैं सुबह में लॉक में आया तो सभी कबूतरों को मैंने जब बाहर निकाला तो मैंने देखा जो वाइटी का छोटा वाला बच्चा है दोस्तों वो मरा हुआ था। तो आप लोगों को मैं लॉक में लेकर के चलता हूँ और वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। तो यहाँ पर देखे दोस्तों जो छोटा वाला बच्चा है ये मरा हुआ है। जब मैं सुबह में आया तो ये वाला बच्चा यहाँ पर मरा हुआ था और बड़ा वाला जो है दोस्तों यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो उस साइड में गिरा हुआ था। मुझे अफसोस है इसके लिए। जो वाइटी है दोस्तों इसने फर्स्ट टाइम ब्रीड किया था तो मैंने सोचा अब मेरे पास वाइट कलर के और भी कबूतर हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, जो होने वाला होता है वो तो होता ही है। तो ये सब कबूतर अगर आप पालते हैं, कोई सा भी पेट्स आप पालते हैं, तो यह सब होता ही रहता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ जो वाइट वाला लखा है दोस्तों इसने दूसरा अंडा भी दे दिया है। यहाँ पर देखें तो ये एक गुड न्यूज़ है। और यहाँ पर जो सिराजी है इसने भी दूसरा अंडा दे दिया है, ये देखें। और यहाँ पर एक और गुड न्यूज है, इसने भी अंडा दे दिया है। यहाँ पर देखें ये गुस्सा में है, नीचे में आपको अंडा दिखाई दिया होगा। तो ये अभी काफ़ी गुस्से में है तो हम इसे रहने देते हैं। और भी दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ, यहाँ पर जो टेल मार्क है दोस्तों इसने भी अंडा दे दिया है। यहाँ पर दो अंडा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये अंडे पर बैठी हुई है। और यहाँ पर जो मद्रासी है दोस्तों वो लखा कबूतर के अंडे पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो रेड पर्पन है इसने भी अंडा दे दिया है, इसे भी हम दिखला देते हैं। ये देखिए। और दोस्तों यहाँ पर जो ब्लैक वाला लखा है इन्होंने भी दूसरा अंडा दे दिया है, तो ये भी आप देख लें। ये वाला और दोस्तों ये वाला जो अंडा है इन दोनों अंडे को हम जो टेल मार्क है उसके नीचे शिफ्ट करने वाले हैं, और टेल मार्क का जो अंडा होगा उसे हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमारा रेड पर्पन का जो बच्चा है दोस्तों वो अब बाहर निकलने लगा है, तो वो अब खुद से बाहर जाने लगा है। मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये जो रेड पर्पन है ये अब बाहर जाने लगा है खुद से। और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ जो मैं हाई फ्लायर लेकर के आया हूँ, ये यहाँ पर एक है और एक शायद इसके पीछे में बैठा हुआ है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर छत में चढ़ाया हुआ है ताकि ये जो लोकेशन है आसपास का वो देख पाए और जो घर है उसे वो पहचान जाए। और दोस्तों ये जो बच्चा है इसे हम यहाँ पर से हटाएंगे और इसे हम मिट्टी में दफना देंगे। तो इसे अभी हम यहाँ पर रख देते हैं। जब हम इन सबको खिला लेंगे उस समय हम इस बच्चे को लेते जाएंगे और इसे मिट्टी में हम दफना देंगे। और ये वाला दोस्तों, ये वाला जो कबूतर है ये नया कबूतर है, तो मुझे डर है कि ये यहाँ पर से भाग ना जाए। इनका आया हुआ अभी दोस्तों 2 दिन हुआ है और मैंने इसे ऊपर में चढ़ाया है दोस्तों, तो देखते हैं ये वापस आते हैं या फिर यहाँ पर से भाग जाते हैं। और यहाँ पर ऊपर में चुनमुन भी है, यहाँ पर चुन है दोस्तों, यहाँ पर मुन है। और यहाँ पर जो कैपेचिनो है ये आए हुए हैं, तो हम इनका जो गेट है उसे खोल देते हैं ये अपने घर में जा सके। तो हम इसे पकड़ते हैं और जो इसे यहाँ डाल देते हैं। तो ये दोनों चले गए हैं, अब ये भी कुछ दिन में अंडा देने वाले हैं तो ये भी अब अंडा देंगे। तो गेट हम बंद करते हैं। यहाँ पर जो मून है दोस्तों वो नीचे आ चुकी है और ये अब धीरे धीरे अंदर जाने लगे हैं।
तो मुझे देखना है दोस्तों ये नया वाला है ये उतरता है या फिर नहीं उतरता है। जो मादी है दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही है लेकिन नर उस साइड में है, देखते हैं वो आता है या फिर भागता है, क्या करते हैं ये लोग, देखना है। और दोस्तों हमारा एक जो नया वाला मेल कबूतर है वो वहाँ पर जा कर के बैठा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। तो अब इसे लाना होगा, देखते हैं हम कैसे लाते हैं इसे। तो दोस्तों हमारा जो एक कबूतर है वो दूसरे के छत पर चला गया है, तो हम देखते हैं उसे लाने की कोशिश करते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पर एक कबूतर हमने पकड़ लिया है तो इसे हम लेकर के छत में चलते हैं और दूसरा देखते हैं, दूसरा अब कोशिश करते हैं कि दूसरा भी हम लेकर के आएं। तो एक आ चुका है और दूसरा यहाँ पर छत में है, तो हम इसे कोशिश करेंगे कि इसे हम किसी तरह से लाएं। तो दूसरा वाला कबूतर भी आ चुका है यहाँ पर, मैंने इसे उतार लिया है यहाँ से और एक कबूतर हमारा भाग गया था उसे भी मैं लेकर के आ गया हूँ। तो इन सब को अब हम अंदर करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।